एशियन पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर हांगकांग में आयोजित हुई प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर वापस लौटे खिलाड़ियों का दुर्ग रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत हुआ। खेल प्रेमियों ने इस्तकबाल भी किया। हांगकांग में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे छत्तीसगढ़ से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जे भागवत राव ने 66 किलो में 522 वजन उठाकर कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के नश्कर टंडन ने बताया कि 5 मई से 11 मई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 17 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें से 11 खिलाड़ियों में से जे भागवत राव भी एक थे जो प्रतियोगिता में जीत कर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसी कड़ी में दुर्ग पहुंचने पर खेल प्रेमी और शहरवासियों ने कांस्य पदक जीतकर वापस लौटे खिलाड़ी का स्टेशन में भव्य स्वागत किया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ सभी खिलाड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस संबंध में जानकारी लोगों ने दी। इंडिया में मतलब इंडिया टीम से सिलेक्शन हुए थे इनका, एशिया मतलब जो हांगकांग में आयोजित थी वहाँ भारत का मतलब प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मतलब अपने ग्रुप में 66 kg में 522 किलो टोटल करके इन्होंने मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीत कर हमारे छत्तीसगढ़ हमारे देश को गौरव दिया। 5 तारीख से पूरा 11 तारीख तक मतलब क्या नाम है इसका मैच था लगातार, जिसमें कम से कम 16 से 18 मतलब क्या नाम है कंट्री ने उसमें भाग लिया और पूरे टोटल इनके ग्रुप में कम से कम 7 से मतलब क्या नाम है 8 खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया लेकिन 11 लोगों का इनके नाम में पूरा एंट्री था और इन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन इन्होंने किया जो आज आपके सामने उसका रिजल्ट है, जहाँ हमारे आदरणीय श्री कृष्ण साहू जी ने इनके मतलब क्या नाम है सिलेक्शन होने में बहुत सारे मतलब उनका योगदान रहा एसोसिएशन का, और इनके जो बड़े भैया हैं जय भुवनेश्वर राव जो दिन और रात इनके लिए मतलब लगे थे, चाहे वीजा के लिए हो चाहे मतलब इसके पासपोर्ट के लिए हो, और घर में इनके जो माता पिता जिस प्रकार से अपने जीवन में जो मतलब कहना चाहिए 2 से 2.5 लाख जो फीसें लगती हैं उसको कलेक्शन करने में जिस प्रकार इन्होंने मतलब क्या नाम है अपना संघर्ष किया और संघर्ष करके आज यहाँ पर पहुँचा है वो आप देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से लोग इसके मतलब चाहने वाले लोग इस प्रकार से आए हैं वो इसका एक प्यार का और इसका जो मतलब सम्मान का एक मतलब क्या नाम है गुड फेक ऐसा करके। हांगकांग गया था उसमें 3rd मेडल लगा मेरा, 522 किलो टोटल किया था मैं और मैं छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट किया था और इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था देश के लिए किया था और बस फैमिली लोगों का ज़्यादा सपोर्ट और बड़े भैया हमारे सब और मेरे चाचा आयोजन सब जन और मेरे जिम वाले भी सपोर्ट बहुत किए और सर लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सर। हांगकांग थी बहुत सारे देश की थी सर, पाकिस्तान 16 देश, मैं 3rd मेडल लगा सर, ब्रॉन्ज मेडल लगा सर। सर बोलने के लिए कुछ लफ्ज़ नहीं है सर और फैमिली वाले बहुत खुशी हो गए बस और कुछ नहीं सर। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।